श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी का जन्म दक्षिण भारत में चेन्नई के पास वेलूर में हुआ। वे चारी जी के नाम से भी जाने जाते हैं। चारी जी जब 18 के थे तो उन्होंने भगवद गीता पर एक उपदेश सुना था। और तभी से उनकी चेतना में आध्यात्म की आकांक्षा जाग उठी। मगर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनकी पहली नौकरी रासायनिक अभियांत्रिकी में थी। जिसके पश्चात उन्होंने यूगोस्लाविया में 2 साल रहकर प्लास्टिक उत्पादन की तकनीकों के विषय में पढ़ाई की। उनका विवाह सन 1955 में हुआ। तथा उसी साल वे टीटी कृष्णमाचारी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सेवा में नियुक्त हुए तथा जल्द ही उसी ग्रुप की एक कंपनी में कार्यकारी निदेशक बन गए। उनके काम की वजह से उन्हें पूरे भारत तथा विदेशों में बहुत यात्राएं करनी पड़ती थी। और विश्व भ्रमण का ये सिलसिला इसी प्रकार उनके व्यावसायिक जीवन में और बाद में एक हार्टफुलनेस मार्गदर्शक की भूमिका में भी जारी रहा। सन 1964 में चारी जी हार्टफुलनेस पद्धति में दाखिल हुए तथा कई महीनों के बाद वे बाबूजी से मिले। बाबूजी के साथ उनकी पहली मुलाकात में ही, जैसे कि उन्होंने अपनी पुस्तक मेरे गुरुदेव में लिखा है, मैं अपने अंतर्ज्ञान से तुरंत जान गया कि मैं जिनसे मिल रहा हूं केवल वो ही मेरे गुरु हो सकते हैं एवं मुझे मेरे लक्ष्य तक ले चल सकते हैं। पारिवारिक एवं व्यावसायिक दायित्व निभाने के साथ साथ चारी जी अपने आध्यात्मिक साधना के प्रति बहुत ही तत्पर थे तथा बाबूजी के प्रति उनमें उत्कृष्ट निष्ठा थी। उन्होंने बाबूजी के सपने को कार्यान्वित करने के लिए स्वयं को इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया। चारी जी ने बाबूजी के साथ व्यापक भारत भ्रमण किया। बाबूजी तथा उनकी शिक्षाओं से आकर्षित होकर यूरोप वासियों के भारत में आने के बाद सन 1972 में चारी जी यूरोप एवं अमेरिका के पहले अंतर्राष्ट्रीय दौरे में बाबूजी के साथ रहे। वे दोनों वहां जिज्ञासुओं से मिले, ध्यान के सत्र संचालित किए, वार्ताएं दी तथा प्रश्नों के उत्तर भी दिए। उस दौरान उन दोनों के बीच परस्पर निर्भरता का एक प्यार भरा संबंध स्थापित हुआ। बाबूजी ने अपने जीवन काल में ही चारी जी को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था तथा सन 1983 में बाबूजी के देहांत के बाद चारी जी ने उनके आध्यात्मिक प्रतिनिधि का भार संभाला। बाबूजी द्वारा मानवता के लिए आरंभ किए गए कार्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने स्वयं को इस काम में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया।
जारी जी के नेतृत्व में बाबूजी द्वारा स्थापित की गई इस संस्था का भारत तथा पूरे विश्व भर में 100 से अधिक देशों में प्रसार हुआ। जारी जी के कार्यकाल में संस्था की सदस्यता 5,000 से बढ़कर 5,00,000 हो गई। ये संस्था प्रारंभ से ही स्वयं सेवकों एवं संदान के आधार पर क्रियाशील रही है। चारी जी ने स्वयं को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया, जो बाबूजी के अनुसार पश्चिमी सोच एवं पूर्वी हृदय का सही मिश्रण है। एक उत्कृष्ट वक्ता होने के साथ साथ उनके काम करने की क्षमता लगभग अतिमानवीय थी। बावजूद इसके कि अनेकों लोग उनसे मिलने आते तथा अपनी यात्राओं के दौरान भी वह कई लोगों से मिलते, वे इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे सभी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास चारी जी के साथ व्यक्तिगत मुलाकातों की यादें हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन ही रूपांतरित हो गया। उन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखी तथा प्रकाशित की। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मेरे गुरुदेव, जो उनके प्रिय बाबूजी महाराज को समर्पित है, का 20 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी अन्य पुस्तकों में उनका बाबूजी के साथ विदेश यात्राओं के दैनिक अनुभवों का लेखा जोखा, एक आत्मकथा और अपने गुरु की शिक्षा का विस्तार व प्रसार करते हुए भारत तथा विदेशों में दी गई अनेक वार्ताओं के असंख्य संस्करण सम्मिलित हैं। सन 2008 से चारी जी खराब स्वास्थ्य से जूझते रहे तथा सन 2010 में उन्होंने अपने अनुयायियों में श्री कमलेश टी पटेल को इस पद्धति के भावी उत्तराधिकारी होने की घोषणा की। इस तरह से चारी जी ने यह सुनिश्चित किया कि प्रारंभ से ही कमलेश जी को इस कार्य में अपने अनुयायियों का पूर्ण सहयोग मिले। उस दिन से लेकर चारी जी के जीवन के अंतिम दिन तक वे दोनों प्रायः हमेशा साथ ही रहे। चारी जी ने श्री कमलेश टी पटेल, जो प्रेम से दाजी कहलाते हैं, को हार्टफुलनेस के वैश्विक मार्गदर्शक की भूमिका का भार सौंपकर 20 दिसंबर सन 2014 को इस संसार से विदा ली।